आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। आज हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे बेटा अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। हम लोगों ने लास्टली जो डिस्कशन किया था वो क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पे, राइट। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, एज आई टोल्ड यू, अभी हम लोग जो है 11th के स्कोप ऑफ वर्क को जो है रिवाइज कर रहे हैं कि 11th के कौन से कॉन्सेप्ट हमारे 12th में काम आने वाले हैं, बस उसको रिवाइज करें। दिस इज द लास्ट थिंग। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हम लास्टली जो है डिस्कस करने वाले, इसके बाद हम लोग जो नए चे है अपना क्लास 12th के जो नया चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एलीन उसकी तरफ चलेगी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को शुरू करते हुए सबसे पहली चीज, एलिमिनेशन रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, हमें सारे टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन को जो है स्टडी करना है। एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा हमारे E2 मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है, E1 मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है, E1C भी हो सकता है और EI हो सकता है। तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन जिनके डिटेल मैकेनिज्म और डिटेल नॉलेज हमें जो है एलिमिनेशन रिएक्शन में बात करनी है। E2 मैकेनिज्म को आप लोग बोलते हैं बेटा बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 होता है बेटा हमारा यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप आप लोग हम लोग ये चीज समझ पाते हैं कि यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर का मतलब क्या है ना। इसका मतलब यह है कि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन यहाँ टू रहेगी, यहाँ मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन वन रहेगी, है ना। अब आते हैं E1CB में। E1CB क्या है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन वाया कॉन्जुगेट बेस। सीबी जो है दैट स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट बेस। EI है बेटा हमारा इंटरनल एलिमिनेशन, इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन। राइट, पहले एक बार ओवरव्यू ले ले कि एलिमिनेशन रिएक्शंस होते क्या है, कैसे पता चलेगा कि देखकर ही एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसके लिए हमें दो चीजें समझनी है कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हमारे पास दो ग्रुप्स होने चाहिए। एक हमारे पास एल ग्रुप होना चाहिए, इस एल को बेटा हम लोग बोलते हैं लीविंग ग्रुप, और एक हमारे पास बेस होना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरे पास प्रेजेंट होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, हम जो एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा वो होता है 1-2 एलिमिनेशन, या फिर बीटा एलिमिनेशन भी हम लोग इसे बोलते हैं। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन। एक और तरीके की एलिमिनेशन होती है जो 1-1 एलिमिनेशन होती है। मैं एक एग्जांपल बताऊंगी आपको 1-1 एलिमिनेशन का या फिर अल्फा एलिमिनेशन का। ज्यादा डिटेल हमें इस एलिमिनेशन की नहीं करनी, सारी डिटेल बेसिकली हमें 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन की करनी है। तो 1-1 में क्या होता है, 1-1 का मतलब होता है कि आप जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप निकाल रहे हैं उसी कार्बन से H निकलेगा। और 1-2 का क्या मतलब होता है, जिस कार्बन से आप लीविंग ग्रुप निकाल रहे हैं उसके बगल वाले कार्बन से आपका क्या निकलना चाहिए बेटा, H निकलना चाहिए। तो जहां लीविंग ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन से अगर H निकलेगा तो 1-2 एलिमिनेशन हो जाएगा, और अगर जहां पे लीविंग ग्रुप है उसी कार्बन से H निकलेगा तो 1-1 हो जाएगा। 1-1 का एक ही टिपिकल एग्जाम्पल हम लोग जो है सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं वो है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म होता है बेटा CCl3, CaCl3, ये है मेरे पास क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म में अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस डालू, लेट्स से अल्कोहलिक QH या फिर टर्शियरी बुटॉक्साइड, एक हम स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा स्ट्रॉन्ग बेस, वो आपका H और यहां से Cl इसको रिमूव करेगा, H प्लस और Cl माइनस ऐसे निकलेगा। तो H प्लस और Cl माइनस जब निकलेगा मतलब HCl निकला, साथ में आप देखेंगे CCl2 बचेगा, और CCl2 को बेटा बोला जाता है कार्बीन। दिस इज कार्बीन, दिस इज एन इंटरमीडिएट एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, समझ
इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोडेफिशिएंसी राइट। तो हालांकि आप सीसीएल टू में देख रहे हैं कि इस कारण पे मैं क्या लगा रही हूँ लोन पेयर, बट एक्चुअली ये लोन पेयर नहीं है, ये अभी भी इस लोन पेयर, ये लोन पेयर जैसे वाली स्पीशीज है बट ये लोन पेयर नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल ही है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसमें अगर मैं ये दो इलेक्ट्रॉन ये लूं तभी भी इस कारण के पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं बेटा, 6, 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो पा रहे। इसका मतलब चाहे ये लोन पेयर है यहाँ पे, और जनरली जिनपे लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं, बट ये इलेक्ट्रोफाइल इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसपे जो लोन पेयर है वो उसके ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद नहीं है, उसके इनकम्प्लीट ऑक्टेट पे लोन पेयर है। सो दैट्स इलेक्ट्रोफाइल। तो ओनली एग्जांपल दैट वी डू इन 1-1 एलिमिनेशन इज दिस रिएक्शन, दैट इज क्लोरोफॉर्म कन्वर्जन टू डाइक्लोरोकार्बीन, जिसमें एच प्लस और सी एल माइनस एक एसिड निकलता है इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। बट यहाँ आप जो देख पा रहे हैं वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहां से H+ निकला है उसी कार्बन से अटैच Cl जो है वो रिमूव हुआ है, जबकि 1-2 एलिमिनेशन जिसे हमें डिटेल में पढ़ना है उसमें आप देखेंगे कि H+ जहां से निकलेगा, बेस जहां से H+ लेगा उसके बगल वाले कार्बन से कौन निकलेगा, लीविंग ग्रुप निकलेगा एंड यू विल गेट अ एल्कीन। तो H+ और लीविंग ग्रुप निकलेगा यहां से, H+ और लीविंग ग्रुप माइनस, तो ये होगा और हमारा ये मिलेगा। बट इसमें बगल बगल कार्बन हो रहा है तो आप इसे 1-2 पोजीशन बोल सकते हैं, या अगर एक अल्फा है तो दूसरा बीटा बोल सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो हमें डिटेल स्टडी इस एलिमिनेशन की करनी है, ये जो सारे टाइप है ये सारे टाइप बीटा एलिमिनेशन के हैं, अल्फा एलिमिनेशन का इनमें कोई टाइप नहीं है, अल्फा एलिमिनेशन फॉलो ओनली 1। यहां तक सबको बात समझ आई, आगे चले। शैल आई रिमूव दिस? One is the leaving group and other one is the base. So first of all we have to understand what a leaving group is. ये leaving group होता क्या है? सबसे पहले ये चीज समझे कि leaving group क्या होता है। Leaving group एक ऐसा group होता है जो leave करता है, right? Leave करता है मतलब ऐसे नहीं कि बस चला जाता है, उसके अंदर भी condition है क्या? It's a group. Which departs carrying electron pair with itself. एक ऐसा ग्रुप है जो निकलता है इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इट्स अ ग्रुप दैट departs carrying the electron pair with itself. मतलब ये ऐसा नहीं कि L प्लस की फॉर्म में निकल जाए, ये हमेशा डिपार्ट होगा L माइनस की फॉर्म में, मतलब ये अपने साथ जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे लेके निकलेगा। तो जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा वो मेरा लीविंग ग्रुप होगा। तो बट आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया था H प्लस निकलता है, तो आप देख रहे हैं H प्लस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर नहीं निकल रहा, तो H प्लस लीविंग ग्रुप नहीं है। बट H प्लस जब निकला ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बीच में गए कार्बन कार्बन के, और यहाँ से लीविंग ग्रुप निकला इस बॉन्ड पेयर को लेके, ये लिविंग ग्रुप कहलाएगा, है ना। तो ये वो ऐसा ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके निकलता है, सबसे पहली चीज तो ये है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो लिविंग ग्रुप में है वो ये है कि लिविंग ग्रुप जो होता है इज दैट ग्रुप विच इज स्टेबलाइज्ड आफ्टर डिपार्चर। एक सिंपल सी बात आप ये समझिए, अगर लिविंग ग्रुप यहां से निकल रहा है, ठीक है, L माइनस की फॉर्म में निकल रहा है, लेट्स से L माइनस की फॉर्म में निकल रहा है, तो ये L माइनस स्टेबल भी तो होना चाहिए। अगर ये L माइनस स्टेबल नहीं होगा तो ये निकलेगा ही क्यों? तो लिविंग ग्रुप के साथ ये भी कंडीशन है कि सिर्फ वही ग्रुप लीव कर सकता है जिस ग्रुप जो निकले जब इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, तो वहां पे क्या हो, स्टेबल हो, मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर स्टेबल रहे तभी वो निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। और यही वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगी ये देखने के लिए कि लिविंग ग्रुप है या नहीं, और अगर है तो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि लिविंग ग्रुप के नेचर के ऊपर भी एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म डिपेंड करता है, राइट। तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, बुरा लिविंग ग्रुप कौन है, ये लिविंग ग्रुप है या नहीं है, ये निकलेगा या नहीं, ये सारी चीजें मुझे जाननी जरूरी है, क्योंकि इन सारी चीजों के ऊपर ही रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है डिपेंड करता है।
तो लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलता है और निकलने के बाद वो स्टेबल होता है, ये दो चीज है, ठीक है। अब तीसरी चीज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो ये है, अगर आप ये चीज याद रखेंगे तो आपके लिए हमेशा आसानी रहेगी लिविंग ग्रुप को निकालने में। वो ये है कि वीक बेस जो होता है वो हमेशा गुड लिविंग ग्रुप होता है। वीक बेस इज ऑलवेज अ गुड लिविंग ग्रुप। नाउ आई हैव टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई ये कंडीशन क्या है, क्योंकि अगर आपने ये वाली चीज पहचान ली ना, वीकर बेस वाली, तो बहुत आराम से ये पहचान पाओगे कि आपका लिविंग ग्रुप है या नहीं है, अच्छा है बुरा है क्या है, राइट। तो वीकर बेस हमेशा गुड लिविंग ग्रुप होता है। अब ये जस्टिफाई कर सकता है कोई कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है? एनीबॉडी? देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को एक चीज ये पता है, एक स्टेटमेंट पता है कि स्ट्रॉन्गर इज द एसिड वीकर एंड स्टेबल इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। अगर आप जीओसी भी पढ़ेंगे तो ये पूरे जीओसी का जो एक तरीके से कह सकते हैं सार है, क्योंकि जीओसी में जब हमें ये देखना होता है कि कौन ज्यादा अच्छा एसिड है, कौन पुअर एसिड है, कौन अच्छा बेस है, वो सारी चीजें, तो वो सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है ना, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड वीकर इज एंड स्टेबल इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो इसका मतलब ये है जितना एसिड स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही वीक और उतना ही स्टेबल उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल दे देते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक एसिड है HF, एक एसिड है Cl, Br एंड HI। नाउ डाउन द ग्रुप अगर मैं जाऊंगी बच्चे, तो कैन यू सी कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, है ना, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो H+ का डिपार्चर आसानी से होगा, क्योंकि H+ का बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो अगर H+ का बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो एसिडिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब अगर एसिडिटी का ऑर्डर देखा जाए तो HF एक वीकर एसिड होना चाहिए कंपेयर टू HCl, HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है HBr, HBr से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है HI, एक चीज ये होगी। तो अगर मैं इन सबके कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो मेरे पास आया F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, है ना, ये सबके कॉन्जुगेट बेस हो गए। तो जितना एसिड स्ट्रॉन्गर होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होना चाहिए बेटा, वीकर होना चाहिए। तो कॉन्जुगेट बेस की अगर मैं बेसिसिटी देखूं तो मैं देखूंगी F माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा Cl माइनस से, जो कि ज्यादा होगा Br माइनस से, और ये ज्यादा होगा किससे, I माइनस से, इजंट इट। क्योंकि जो जितना वीकर एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, उतना ही स्ट्रॉन्गर, और जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या है, वीकर, है ना। और वहीं पे अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो जो जितना स्ट्रॉन्गर है उतना ही स्टेबल अपना कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे स्टेबिलिटी की बात करें तो आई माइनस सबसे स्टेबल होगा, फिर बी आर माइनस, फिर सी एल माइनस एंड देन एफ माइनस। ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि चार्जेस जो होते हैं वो बर्डन होते हैं, तो माइनस चार्ज एक बर्डन है। तो अब ये जितना बड़ा साइज होगा और उस बड़े साइज पे नेगेटिव चार्ज इजिली डीलोकलाइज हो जाएगा, है ना। तो जब इजिली डीलोकलाइज हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज मेरा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि आई माइनस स्टेबल है, वो ये है कि आई माइनस का साइज इतना बड़ा है कि इजी डीलोकलाइजेशन हो रहा है नेगेटिव चार्ज का। और डीलोकलाइजेशन इन द सेंस कि हमारा नेगेटिव चार्ज एक बर्डन है ना। अब जब तेरे सर पे कोई बर्डन होगा तो तू जितने लोगों से शेयर करेगा तेरा बर्डन डिवाइड हो जाएगा ना, तो तुझे रिलैक्स फील होगा ना। ये चीज वही है, नेगेटिव चार्ज एक बर्डन है, इनफैक्ट कोई भी चार्ज बर्डन होता है,
तो वो जितने बड़े साइज में फैलेगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब बर्डन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। अब काइंड ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस में भी हम यही करते हैं ना कि नेगेटिव चार्ज को जितना ज्यादा फैला सके, जितना ज्यादा डीलोकलाइज कर सके, वो उतना स्टेबल हो जाता है ना, मतलब चार्ज डेंसिटी कम करता है। चार्ज डेंसिटी कम कर रहा है बेसिकली, यही चीज है कि साइज बढ़ गया तो चार्ज डेंसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। बात क्लियर हुई? डिक्रीजेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो ये आपने देखा इस एग्जांपल से कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जैक्टली हमारा क्या है, सही है, ठीक। तो इसी चीज को आप ध्यान में रखिए, जो मैंने आपको बोला उसको समझिए। मैंने बोला जो जितना वीकर बेस होगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ऐसा क्यों होगा? देखो, जो जितना वीकर बेस है मतलब निकलने के बाद वो उतना ही स्टेबल, बोलो आया ना, आई माइनस सबसे वीकेस्ट बेस था और सबसे ज्यादा स्टेबल भी तो वही है, और लिविंग ग्रुप तो मुझे वही चाहिए ना जो निकलने के बाद क्या हो, स्टेबल हो। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में बसा के रखियो, अगर आप लोगों को लिविंग ग्रुप टेंडेंसी देखनी है तो आप उनकी बेसिसिटी चेक करो, और अगर बेसिसिटी चेक नहीं कर सकते तो एसिड बना के एसिडिटी चेक करो, जो एसिडिटी उसी का ऑपोजिट बेसिसिटी, और जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा उसी का ऑपोजिट लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी होगी, क्योंकि जो जितना वीक बेस होगा वो उतना ही स्टेबल होगा, उसका नेगेटिव चार्ज उतना ही स्टेबल होगा, मतलब डिपार्ट करने के बाद वो चीज हमारी क्या रहने वाली है, स्टेबल रहने वाली। बात क्लियर है? अगर मैं इन सब में हैलोजेंस में लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की बात करूं तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होने वाला है मेरा, आई माइनस बेटा, फिर बी आर माइनस, फिर सी एल माइनस, एंड सबसे पुअर लिविंग ग्रुप बेटा मेरा कौन होगा, एफ माइनस। कोई चीज अगर निकलने के बाद स्टेबल ही नहीं है तो वो निकलेगी क्यों? तो इसलिए हमें स्टेबिलिटी के बेसिस पे देखना, और स्टेबिलिटी को हम रिलेट कर रहे हैं किससे, बेसिसिटी से। एम आई क्लियर? हटा तुम्हारा रूल हो गया, वीकर इज द बेस, बेटर इज द लिविंग ग्रुप। अब मैं आपको कुछ बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स बताती हूँ, वट आर द वेरी गुड लिविंग। सी, लिविंग ग्रुप का काम आपको क्लास 12 में भी आएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सम सुपर लिविंग ग्रुप्स। सुपर लिविंग ग्रुप्स मतलब जो सबसे ज्यादा अच्छे लिविंग ग्रुप्स माने जाते हैं। तो सुपर लिविंग ग्रुप्स में बेसिकली हमारे आते हैं बेटा एल्काइल सल्फोनेट्स। व्हाट आर एल्काइल सल्फोनेट्स? सी, आर एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दिस इज सल्फोनिक एसिड। या आप इस फंक्शनल ग्रुप को जान सकते हैं, एक सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है ना। तो अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, दिस दिस इज सल्फोनेट। नाउ कैन यू जस्ट सी कि ये सल्फोनेट आयन काफी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, टू इक्वी एनर्जी रेजोनेंस। दो बार इक्वी एनर्जी रेजोनेंस होने की वजह से ये एल्काइल सल्फोनेट हमारा क्या है, हाईली स्टेबल। अगर कॉन्जुगेट बेस हाईली स्टेबल है, इसका मतलब एसिड क्या होगा, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड। सल्फोनिक एसिड इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इवन मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एक ही इक्वी एनर्जी रेजोनेंस होती है, जबकि सल्फोनिक एसिड में बेटा दो इक्वी एनर्जी रेजोनेंस मुझे देखने को मिल रही है ना। तो एल्काइल सल्फोनेट्स हमारे हाईली स्टेबल हुए। तो अगर कॉन्जुगेट बेस हाईली स्टेबल होता है तो वो वीकर भी होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये वीकेस्ट बेस होंगे, और अगर ये वीकेस्ट बेस होंगे तो ये क्या होंगे, मेरे बहुत ही ज्यादा अच्छे लिविंग ग्रुप्स। तो सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप्स की कैटेगरी में हमारे आते हैं एल्काइल सल्फोनेट्स। मैम एक बार इक्वी एनर्जी रेजोनेंस बता दीजिए। हाँ, तो 11 तो पढ़ना मत ना तुम लोग, बता ही रहे क्योंकि तुम्हें टेस्ट भी देना है, फेल हो जाओगे क्या फायदा है ना। देखिए जरा,
इक्विनर्जी रेजोनेंस बेसिकली कहता है कि यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज नीचे गया तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना इस प्रकार, और अगर ये इधर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं तो ऐसे भी बन सकता है, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मेरे पास बन सकता है वो है ये, यही रेजोनेंस बन सकती है, स्ट्रक्चर बन सकती है। और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको जो फिनॉक्साइड आयन का दिखा रही हूँ, कैन यू जस्ट सी कि इसके अंदर जो रेजोनेंस है वो कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे। नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा, ये यहाँ आएगा, लाइक दिस, है ना। अब जो मैं समझा रही हूँ वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा, कि एक है फिनॉक्साइड आयन जो कि ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेंस शो कर रहा है, और एक है ये अल्काइल सल्फोनेट जो कि कम नंबर ऑफ रेजोनेंस शो कर रहा है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है। अल्काइल सल्फोनेट मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, एंड इट्स लाइक 100 टाइम्स मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड। नाउ व्हाई इज दिस सो, हम लोग जनरली तो यही बोलते हैं कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट चीज है। यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर आप देख पाएंगे कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे ही आ रहा है, ओरिजिनल में भी जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी उसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे बार बार जो आ रहा है नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिर्फ ये वाला एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर है और एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, बाकी जो बीच के स्ट्रक्चर्स है इनमें किस पे नेगेटिव आ रहा है, कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, और कार्बन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, है ना। तो ये बोला जाता है कि ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं वो कितने स्टेबल हैं। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर तब सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आता है, जो कि इस केस में। तो इस तरीके की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा तो आप देखेंगे इस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, जिसमें आप देखेंगे सारे ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है उन पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, चाहे ये स्ट्रक्चर लो चाहे ये स्ट्रक्चर लो, ये सारे इक्वल एनर्जी के हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है इक्वी एनर्जी रेजोनेंस। और इक्वी एनर्जी रेजोनेंस हमेशा नॉर्मल रेजोनेंस है, नो मैटर व्हाट, नॉर्मल रेजोनेंस के कितने ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों ना हो, इक्वी एनर्जी रेजोनेंस हमेशा काफी बेटर होती है नॉर्मल रेजोनेंस। अब बात क्लियर है अक्षत जी? यस मैम। ओके बेटा, आप लोगों को अगर जीओसी का कोई भी पार्ट ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप में से आधों को तो मैंने पढ़ाया नहीं है 11th में जीओसी, अब आपकी जिम्मेदारी है। बाकी आप वीडियो जरूर देखें क्योंकि टेस्ट आ गया आपका 4 जुलाई को, एंड आई नीड गुड रिजल्ट एनी हाउ, राइट। चलिए, ये आगे आता है सल्फोनेट, जो मैंने आपको बताया कि ये जो है सुपर बेसिस की कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा देती हूँ, ये एक लिविंग ग्रुप कहलाता है जिसे हम लोग बोलते हैं, काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है ये, जैसे ये एक लिविंग ग्रुप है, ये भी काफी अच्छा, इसका नाम होता है ट्रिपलेट, OTF की जैसे इसे लिखा जाता है। एक और लिविंग ग्रुप जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, देखिए आर ग्रुप चाहे कोई भी हो, मुझे खास मतलब नहीं है उस चीज से, बट ये सल्फोनेट ग्रुप अगर लगा हुआ है तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, एक सुपर लिविंग ग्रुप है। जैसे ये है, इसका नाम होता है टोसाइलेट, OTS लिखा जाता है, इसका नाम होता है मिसाइलेट, तो ये सारे के सारे नो मैटर व्हाट माय आर ग्रुप इज ऑल आर सुपर लिविंग ग्रुप। बट फिर भी अगर इन तीनों में मैं लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी गिनूं, इन तीनों में तो भी, हालांकि तीनों ही बहुत अच्छे हैं फिर भी, नो डाउट, बट फिर भी मैं चाहती हूं तो मैं इन तीनों के अंदर भी जो है लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी देख सकती हूँ। कैसे देखूंगी? लॉजिक पकड़ना है, लॉजिक था जितना वीकर बेस होगा उतना ही अच्छा वो लिविंग ग्रुप होगा, और अगर वो वीकर बेस है इसके अंदर, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बेसिसिटी वाइज देखा जाए तो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है EWG, इलेक्ट्रॉन
नॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बेसिसिटी को घटाते हैं. ये क्या कर दिया मैंने, ई डब्ल्यू जी. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है डिक्रीज करते हैं बेसिसिटी को. तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे बेसिसिटी उतनी ही घटेगी. देखिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन हो जाएगा, सी एफ थ्री है ना. तो बी सबसे ज्यादा अच्छा होगा, मतलब ट्रिपलेट इज ऑफ कोर्स इन सब में से सबसे बेहतर है ना. अब अगर इसकी बात करें और इसकी बात करें तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इन दोनों में आप देख पा रहे हैं कि इसका प्लस आई इफेक्ट होगा और इसका थोड़ा बहुत तो माइनस आई इफेक्ट ही होगा. और अगर इसका माइनस आई इफेक्ट होगा ये बेटर होगा किससे, ए से. तो आप चाहो तो सुपर लिविंग ग्रुप्स के अंदर भी जो है चेक कर सकते हो कि कौन ज्यादा अच्छा है कौन बुरा है. लेकिन फिर भी एनीवेज नो मैटर ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं. बात क्लियर हो गई, सुपर लिविंग ग्रुप समझ आया. नो मैटर व्हाट आर ग्रुप इज एल्काइल सल्फोनेट्स आर कंसीडर्ड टू बी द सुपर लिविंग. एम आई क्लियर, शैल आई रिमूव दिस? यस मैम. नाउ मॉडरेट लिविंग ग्रुप से कौन आते हैं हमारे, मॉडरेट लिविंग ग्रुप में हमारा सब अच्छा लिविंग ग्रुप होता है जैसे वाटर. वाटर इज कंसीडर्ड एज अ गुड लिविंग ग्रुप. अमोनिया इज कंसीडर्ड एज अ गुड लिविंग ग्रुप. व्हाई? तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर जैसे कोई ग्रुप है आर और उसके ऊपर इस तरीके से एक ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे ये यहां से बॉन्डेड है इस तरीके से. तो जब ये निकलेगा यहां से तो ये आर प्लस जनरेट करेगा प्लस वाटर निकलेगा. वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. तो कभी भी किसी रिएक्शन में अगर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलता है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑब्वियसली चार्ज मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टिक होगा. तो अगर मैं वाटर को इस वाले केस में देखूं जिसमें ये बॉन्डेड है और मैं वाटर को देखूं जब ये निकल चुका है तो आप देख पा रहे हैं निकलने के बाद वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू बॉन्डेड, क्योंकि बॉन्डेड में ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो इस वजह से वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है. सिमिलरली अगर मैं एक चीज पूछनी है, हाँ जी, ये जो वाटर है ये सुपर लिविंग ग्रुप से भी अच्छा लिविंग ग्रुप है? नहीं नहीं, मॉडरेट लिविंग ग्रुप में लिख रही हूं बेटा मैं. पर आपने तो बोला कि जिसमें चार्ज होता है वो जिसमें न्यूट्रल जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है. हां बिल्कुल होता है, लेकिन फिर भी वो वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें इक्वल एनर्जी रेजोनेंस हो रही है उसको आप बीट नहीं कर सकते. तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल एनर्जी से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. अगर कोई नॉर्मल रेजोनेंस होती तो ये बेटर होता उससे, नो डाउट. बात ठीक है? ये अगर इस तरीके से अमोनिया निकल पा रहा है तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब मॉडरेट लिविंग ग्रुप, ठीक है. बाकी मॉडरेट लिविंग ग्रुप्स में आया जाता है आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दीज आर ऑल माय गुड लिविंग. तो ये तीनों भी मेरे अच्छे लिविंग ग्रुप्स है. बट अगेन आयोडीन बेटर होगा ब्रोमीन से, ब्रोमीन बेटर होगा किससे, क्लोरीन से, राइट. बट अगर मैं वीक लिविंग ग्रुप्स की कैटेगरी में आई आपको अभी बता दिया जब हमने एच एफ एक्स सी लिया, ठीक है. OH एक पुअर लिविंग ग्रुप माना जाता है, OR एक वीक लिविंग ग्रुप माना जाता है. तो इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स आप देखेंगे आगे जाके जो वीक होंगे, जो कि निकलने के बाद उतने स्टेबल नहीं है जितने बाकी हैं. बात क्लियर है? जैसे आप इस केस में भी मान सकते हैं कि मैम OH है और ये जब निकलेगा तो ये OH माइनस बनेगा, तो OH माइनस तो स्टेबल होना चाहिए क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज है ना. बट नहीं, बात वो नहीं है. O पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है लेकिन उतना स्टेबल नहीं है जितना मैंने बाकी आपको बताया है ना, जैसे एल्काइल सल्फोनेट्स है ना. तो उनके कंपैरिजन में अगर हम देखा जाए तो ये कंपैरेटिवली हमारे क्या माने जाते हैं, वीकर माने जाते हैं, क्योंकि उतना निकलने की टेंडेंसी नहीं रखते जितने बाकी रखते हैं ना. बट कई केसेस आप देखोगे कि तो मैं फ्लोरीन को भी हटाऊंगी, OH को भी हटाऊंगी, OR को भी हटाऊंगी, मतलब लिविंग ग्रुप से ये है बट बाकी जो मैंने आपको आदर्श बताए उनके हिसाब से ये कंपैरेटिवली क्या है, वीकर है, ठीक है. इसका मतलब ये नहीं कि कभी रिमूव नहीं है. एम आई क्लियर टिल नाउ? तो ये बात होगी हमारी लिविंग ग्रुप्स के बारे में. एक चीज जो हमें समझ आ गई, अगर आपको कोई भी वो दे दिया जाए, मतलब लेट्स से आपको कंपेयर करने को बोल दिया जाए, और
के बाद मैंने OH लगा दिया, R के बाद मैंने F लगा दिया, R के बाद मैंने I लगा दिया, इन सब में आपको कंपेयर करने को बोल दिया जाए कि आप लिविंग ग्रुप टेंडेंसी को कंपेयर करिए, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? थोड़ा सा चेंज करती हूँ मैं इसे, अगर यहाँ से जैसे कॉन्जुगेट बेस जो है इसका, इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेंगे, ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा अच्छे लिविंग ग्रुप है। राइट राइट, वैसे भी कर सकते हो, बट अपने स्टेबिलिटी में बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है ना यहाँ पे कि किसको ज्यादा स्टेबल मानूं, आई माइनस को या ओएच माइनस को। बट ये तो वेल नोन फैक्ट है कि वाटर उतना स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है जितना एच है। स्टेबिलिटी में कई कई जगह आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने एसिडिटी को कंपेयर कर रहा, वो बेटर ऑप्शन है कंपेयर करना। एसिड आप जल्दी पहचान लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ऑलरेडी भी स्टेबल है, ओ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बोलोगे यहाँ पे आई पे इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है उस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज? दीज थिंग्स क्रिएट कंफ्यूजन, तो बेटर है आप एसिडिटी में कन्वर्ट करके चलिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो तो स्टेबिलिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं। राइट, वैसे मतलब OH नेगेटिव को और आई नेगेटिव को कंपेयर करें तो OH नेगेटिव मतलब स्टेबिलिटी कम क्यों होती है? OH नेगेटिव की स्टेबिलिटी इसलिए कम होती है क्योंकि O पे हालांकि नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, बट O का साइज भी तो छोटा है। जस्ट गो टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थिंग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि Cl का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है फ्लोरीन से, वैसे सल्फर का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, है ना? अच्छा, केस में साइज डोमिनेट कर जाता है ना, ज्यादा देन इलेक्ट्रॉनिक। तो यही तो ब्यूटी है केमिस्ट्री की, कहां पर कौन सा पैरामीटर लग रहा है उसको ध्यान रखना पड़ता है, उसके बिना काम ही नहीं चल पाती केमिस्ट्री में, है ना? इतनी सिंपल अगर केमिस्ट्री होती कि एक फॉर्मुला दिया और 10 सवाल लग गए तो ना मैं यहाँ बैठ के तुम्हें पढ़ा रही होती, ना तुम पढ़ रहे होते इतनी आसानी से, है ना? केमिस्ट्री इज ब्यूटीफुल, राइट? इसको हटा दे जरा, इसको मुश्किल भी बोल सकते हैं। हाँ, मुश्किल तो है ही बेटा, सबके बस की बात नहीं है केमिस्ट्री पढ़ना, और ना ही सबकी बस की बात है पढ़ाना, मुश्किल तो है ही, बट फर्क क्या पड़ता है, IIT निकालना है तो मुश्किल और आसान क्या होता है? चलिए इसको हटाते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने लिविंग ग्रुप की बात कर ली, ठीक है? अब आते हैं बेसिसिटी पे। अब बेसिसिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है मैं बताती हूँ। हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो होती है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, वो दो तरीके से काम कर सकती है, एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा बेस। अब कौन सी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल है और कौन सी बेस है, इसमें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सेल्फ एलिमिनेशन
एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए बच्चे, बेस। न्यूक्लियोफाइल विल नॉट डू एलिमिनेशन रिएक्शन, इंस्टेड न्यूक्लियोफाइल विल डू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि आप आगे क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। बट बेस विल डू एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है कि अब एलिमिनेशन होगा या बेस होगा, अर्थात एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप ये पहचान पाओ कि आपकी जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है वो बेस है या न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम ये पता करेंगे कि बेस को कैसे पहचानते हैं, बेस कौन से होते हैं। फिर जब हम लोग क्लास 12th का चैप्टर शुरू करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, तो हम न्यूक्लियोफाइल पहचानेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन और बेस और न्यूक्लियोफाइल क्या, ठीक है। तो अभी तक का मेरा जो काम है वो बस ये है कि आपको ये पता करना कि बेस है या नहीं। अब बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिक बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या अंतर है, कौन मुझे बता सकता है? प्रतीक बताने की कोशिश करेगा कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या अंतर होता है। Yes, ma'am. हाँ जी। न्यूक्लियोफाइल आर लूज बेसेस। आज वीक बेसेस। हम लूज बेसेस। लूज बेसेस। अच्छा। मतलब हम डोनेट करते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा और बेस क्या करते हैं? डोनेट ही करेंगे। लावण्य एनी आइडिया? मैम मैम जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो न्यूक्लियस सीक करने की कोशिश करते हैं और बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, नहीं इलेक्ट्रॉन लेके ग्रुप लीव करते हैं। अच्छा नहीं ऐसा नहीं है मैम, बताइए। हाँ जी मैम, न्यूक्लियोफाइल तो हाइड्रोजन को अटैक करेगा। अच्छा। और सॉरी बेस बेस न्यूक्लियोफाइल इसको हाइड्रोजन के अलावा किसी और उसको, बिल्कुल सही बोला एकदम राइट। न्यूक्लियोफाइल और एलिमिनेट जो बेस है उनके मैकेनिज्म में अंतर है, हालांकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच है। देखिए अगर हम यहाँ लिखे न्यूक्लियोफाइल और बेस को, तो इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच। This is electron rich. This is also electron rich. But दोनों के mechanism में अंतर है क्या, कि base जो होता है always attacks on H plus. Attacks on H plus. H plus is what? Proton. Right? While nucleophile will attack any element other than H plus. Other than H plus. और क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एनी एलिमेंट का मतलब कार्बन, क्योंकि मोस्टली कंपाउंड्स आपके किसके होंगे यहाँ पे कार्बन के होंगे, तो ये कार्बन या फिर किसी और अदर एलिमेंट अदर देन H plus पे जो अटैक करेगा, और ये किस पे अटैक करेगा, H plus पे। बस इतना ही डिफरेंस है इनके बीच कि न्यूक्लियोफाइल और जो जैसे सपोज मैंने ये लिख दिया ना अमोनिया बेटा, तो ये दोनों है, ये बेस भी है ये न्यूक्लियोफाइल भी है, OH minus भी जो है वो बेस भी है वो न्यूक्लियोफाइल भी है। बट अब वो कहाँ बेस है वो डिसाइड होता है कि अटैक किस पे कर रहा है, और कहाँ न्यूक्लियोफाइल है वो डिसाइड होता है कि अटैक किस पे कर रहा है, ठीक है। अब आगे थोड़ी सी और डिटेल लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे। न्यूक्लियोफाइल और बेस में एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोग हमेशा लेकर आ सकते हैं, वो ये है कि जैसे ऐसे आर ग्रुप, अगर आर ग्रुप कोई लगा हुआ है उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। बट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो अब कोई चीज बेस भी हो सकती है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है, जैसे कि जैसे मैंने यहां एक एग्जांपल दे रही हूं आपको RO माइनस, ये RO माइनस ये बेस भी अच्छा है और न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, लेकिन अब कहां पे ये ज्यादा बेसिक होगा और कहां पे ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक
होगा ये डिपेंड करेगा इसके आर ग्रुप के ऊपर। तो जैसे मेरे पास दो तरीके के आर ग्रुप हैं, एक है CH3 आर ग्रुप और एक है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड CCH3O3, लाइक इसको बोला जाता है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, इसको बोला जाता है मिथॉक्साइड MEO-. Now, R group will determine कि ज़्यादा acidic है या basic है। तो जैसे मैंने बोला कि steric hindrance, R group की steric hindrance बढ़ेगी तो basicity बढ़ेगी। तो अगर मैं base check करूँगी तो बिना doubt के ये ज़्यादा basic होगा इससे, और वहीं nucleophilicity check करूँगी तो बिना doubt के methoxyl ion ज़्यादा nucleophilic होगा किससे, तो मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी साथ साथ चलती हैं। अब बहुत ही केयरफुल रहने की बात है इसमें कि कौन बेसिक ज्यादा अच्छा है और न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा अच्छा है। तो एक चीज जो आपको यहाँ समझ आई वो ये है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों है तो उसके ऊपर कोई अदर पैरामीटर उसकी बेसिसिटी और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे RO- में R जो है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को क्या कर रहा था, वो कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था कि कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा कौन ज्यादा बेसिक। यहाँ तक बात समझ आई, अभी और एग्जांपल करेंगे तो चीजें और क्लियर होगी। यहाँ तक क्लियर है तो मैं हटाऊ? मैम हाँ जी मैम, एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए कि आपने कैसे इसको बताया कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है बेस और न्यूक्लियोफाइल के केस में। मैंने स्टेबिलिटी नहीं देखी बच्चे, मैंने सिर्फ आर ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस को देखा। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा बेसिसिटी उसकी बढ़ जाएगी बट उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी। आप लोग याद करिए इसको मैं कैसे बोल रही, सोचो बेसिसिटी एसिडिटी से रिलेटेड है ना, है ना, या फिर बेसिसिटी मैं बोल सकती हूँ। आप लोग जीओसी में जब बेसिसिटी की बात करते हो तो आप प्लस आई और एसएस इफेक्ट्स देखते हो जो बेसिसिटी को बढ़ाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीजेस बेसिसिटी, यही होता है, ये हमने पढ़ा है जीओसी के हिसाब से। तो अगर मैं CH3 ग्रुप और एक है मेरा ये बड़ा टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप, इन दोनों ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट चेक करूँ बेटा तो प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, बड़े ग्रुप का ज्यादा होता है, हमें ये पता है। तो इस वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस के बढ़ने से एक्चुअली प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है और प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो बेसिसिटी भी हमारी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। बात क्लियर है? क्योंकि ये सारे के सारे जब बेसिसिटी चेक करते हैं तो हम लुईस बेसिसिटी चेक करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन तो बंदा तब दे पाएगा ना जब उस पर खुद के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें क्या करनी होती है, बेसिसिटी में बढ़ानी होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आप देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ साथ प्लस आई इफेक्ट बढ़ने की वजह से आपकी बेसिसिटी बढ़ जाती है। अश्मी ये क्लियर हो गया? यस मैम, यस मैम। अब दूसरी चीज समझो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्यों घट रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस से न्यूक्लियोफिलिसिटी घट रही है। ऐसा इससे हो रहा है क्योंकि अब सपोज मेरे पास यहाँ एक ग्रुप है, यहाँ एक एच है और यहाँ कुछ बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं। बेस को तो इस बेचारे H+ पे अटैक करना है जो कि बाहर की तरफ है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल को कहाँ अटैक करना पड़ेगा, अंदर कार्बन को, और अगर वो अंदर कार्बन पे अटैक करेगा तो उसे स्टेरिक हिंड्रेंस फील नहीं होगी बाकी ग्रुपों से। तो जो बेस का काम है वो तो आउटर रीजन का काम है, H ही तो लेना है, वो आउटर रीजन में प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल को अंदर सेंट्रल एटम पे जाके अटैक करना पड़ता है जहां पे उसे स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगी अगर वो खुद बल्की है। अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल बल्की है तो उसके अटैक करने की क्षमता, क्योंकि उसे अंदर जाके घुसकर अटैक करना है, वो कम हो जाएगी क्योंकि उसे स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगी। और बेसिसिटी पे ऐसा स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाती है, वो हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करती क्योंकि उसे जिस बेचारे पर अटैक करना है वो खुद ही किंदुसा है और वो भारी पर प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो बात को? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ इसलिए घट जाती है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को का मैकेनिज्म है कार्बन पे या अंदर एटम पे जाके अटैक करना, जहां पे दिक्कत हो जाएगी अगर न्यूक्लियोफाइल बल्की होगा तो। इसलिए बल्की न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो बेकार होते हैं, वो बेसिक ज्यादा हो जाता है रादर देन एसिडिक, रादर देन न्यूक्लियोफिलिक। एम आई क्लियर? यस मैम। ये बेस स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा क्योंकि प्लस आई इफेक्ट जो होता है अल्काइल ग्रुप्स का स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है ना।
प्लस आई का ऑर्डर अगर आप चेक करेंगे तो जितना ज्यादा कार्बन लगे रहेंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, और प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी। ये जो आपने आपने न्यूक्लियर फाइल वाला एग्जांपल बनाया ना, हां शो बता दीजिए बेसिसिटी, या तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बता रही थी, अगर इस पर आप बेसिसिटी बता सकते हैं तो। मैं कह रही थी बेसिसिटी में तो बेस अगर है उसे तो सिंपल H+ को खींचना है ना, H+ को एक्सटीरियर पे भी बहुत सारी जगह प्रेजेंट होता है ना, जैसे सपोज दे दो CH3 CH2 CH2X ऐसा है। अब बेस को क्या करना है, H खींचना है, H तो ये प्रेजेंट है एक्सटीरियर पे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल को तो इस कार्बन पे अटैक करना है जहां ये बड़ा ग्रुप जो प्रेजेंट है वो इसको हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है अगर न्यूक्लियोफाइल बड़ा है, बल्कि है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अंदर घुसकर अटैक करना होता है तो उसके लिए बल्कि होना अच्छा नहीं है, क्योंकि बल्कि न्यूक्लियोफाइल का रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। बेसिसिटी में बल्किनेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, स्टेरिक हिंड्रेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसको एच को लेना और एच तो एक्सटीरियर में प्रेजेंट रहता है ना हमेशा। जिसके नंबर नहीं आएंगे ना सबको मैं हटा दूंगी बैचों से, हो गया तुम्हारा काम, तुम लोग फिर मेन लेवल पढ़ने के लायक नहीं हो, तुम अपना सीबीएसई पढ़ो, क्योंकि तुमसे फिर ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगी। तो जो करना है ध्यान से करना, 4 जुलाई का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू टू ट्रीट इट वेरी सीरियसली, बिकॉज़ एनी हाउ मैं तुम्हारा ऑर्गेनिक बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता, ये सोच लेना। तो फिर बता देती हूँ, अभी तो तेरे को माफ कर रही हूँ क्योंकि आज कोई बात नहीं, बट पढ़ ले तुझे उसे। प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होंगे जब बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो लुईस बेसिसिटी बढ़ेगी, क्योंकि लुईस बेस वो कहता है कि जो जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो उतनी ज्यादा आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, है ना, यही होता है ना, लुईस बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन हो उतना इलेक्ट्रॉन रिच, जितना इलेक्ट्रॉन रिच उतना अच्छा लुईस बेस, समझा। चलिए हटा रहे थे। अच्छा एक न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या, मतलब न्यूक्लियोफाइल की एक्ट करने की टेंडेंसी, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। अच्छा चलिए, हाँ कहाँ थे हम, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी में। सबसे पहला पॉइंट रूल नंबर 1, अ नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल इसका हेडिंग आप सिर्फ न्यूक्लियोफिलिसिटी कर लो, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। कंपेयर
टू जब खाली उस पे लोन पे, जैसे RH2NH2 जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा हाइड्रोजीन, दिस इज नोन एज हाइड्रोजीन, वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा कंपेयर टू अमोनिया, क्योंकि यहाँ पे एक ही लोन पेयर है और यहाँ पे जिस पे लोन पेयर है उसके बगल वाले कार्बन में भी क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर है। तो अगर आपके पास एक एटम है जिसपे लोन पेयर है और वो न्यूक्लियोफाइल की जैसे आप कर सकता है, और एक ऐसा एटम है जिसपे लोन पेयर है उसके बगल वाले भी लोन पेयर है, तो दूसरा वाला बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा कंपेयर टू पहले वाला। केवल जो टेस्ट है वो केवल 11th वाली जीओसी का है ना? हां जी बेटा, टेस्ट सिर्फ 11th की जीओसी का, और वैसे जीओसी सिर्फ 11th में थी 12th में का। अच्छा क्यों ये इसमें बगल वाले एटम पे जब लोन पर आता है तो फिर उससे क्या फायदा होता है, मतलब कैसे उससे क्या फायदा होता है? यहाँ से आप आगे जाके पढ़ोगे इनसे रिएक्शन हो जाती है, जब आप न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शंस पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जब बगल वाले कार्बन पे लोन पेयर होता है ना तो वो एक स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट कर देता है, जिस वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए काम कर आने वाला है, ये दोनों इतने काम नहीं आएंगे, वो है डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस बेसिसिटी डिक्रीजेस। मतलब अगर F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस की बात करें, इन सब में बेसिसिटी देखें तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि F माइनस ज्यादा बेसिक होता है Cl माइनस से और Cl ज्यादा होता है I माइनस से, मतलब बेसिसिटी डाउन द ग्रुप क्यों कर रही है, घट रही है, क्योंकि बेसिसिटी को ऐसे मान लो ना कॉन्जुगेट बेसिस है ये एसिड्स के, और एसिडिटी बढ़ती है तो बेसिसिटी घटेगी, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी देखा जाता है कि डाउन द ग्रुप जो है वो बढ़ जाती है। I माइनस के ऊपर जरा ध्यान दिया जाए, अगर कहीं पे भी I माइनस आपको दिखे तो ये बात पक्की है कि वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा और वो बेस के जैसे काम नहीं करेगा। वहीं पे ये सारी चीज Cl माइनस और Br माइनस के लिए भी ट्रू है कि Cl माइनस और Br माइनस अगर आपको दिखे इसका मतलब वो न्यूक्लिफाइल होंगे और वो बेस नहीं होंगे। इकलौता बेस जो काम कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता है बेटा? F माइनस। ठीक है, बट F माइनस भी एक पुअर बेस है, बहुत अच्छा बेस तो नहीं होगा। ठीक है, बट फिर भी इन सब में हैलोजन्स में सबसे बेटर बेस सिर्फ F माइनस। बात क्लियर है? तो ये एक इंडिकेशन आपके लिए कि अगर मैंने कोई आपको किस तरीके से सबस्ट्रेट दे दिया लेट्स से और मैंने यहाँ आई माइनस का रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन तो नहीं होगी, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए बेस चाहिए और आई माइनस बेस नहीं है, सब्स्टिट्यूशन कराएगा सीएल माइनस, सब्स्टिट्यूशन कराएगा बीआर माइनस, सब्स्टिट्यूशन कराएगा, सिर्फ एक लौता है एफ माइनस है जो यहाँ पे थोड़ा बहुत एलिमिनेशन जो है करा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अभी आप सब्स्टिट्यूशन के चक्कर में मत पड़ो, अभी बस आप ये फोकस करो कि आप कैसे पहचान पाओ कि यहाँ पर एलिमिनेशन होगा या नहीं होगा। तो हैलोजन्स के केस में एलिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ एफ माइनस करा सकता है और कोई हैलोजन एलिमिनेशन नहीं करा सकता। बोले बात क्लियर? अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी फोर्थ और फिफ्थ। इफ अटैकिंग एटम इज द सेम और बिलोंग्स टू सेम पीरियड, देन न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल्स बेसिसिटी। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपके पास कुछ ऐसे ग्रुप है लेट्स से CH3O- आपके पास है HO-, ठीक है, या फिर आपके पास है CH3CH2O-, इन सब में आप देख पा रहे हैं कि अटैकिंग एटम क्या है आपका, सेम O विच कैरीज द नेगेटिव चार्ज। तो इन केसेस में जब अटैकिंग एटम सेम हो या अटैकिंग एटम एक पीरियड का हो, जैसे CH3O- है आपका, NH2- है, F- है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन दे बिलोंग्स टू द सेम पीरियड है ना, एक और ले लेती हूँ CH3- और बिलोंग्स टू सेम पीरियड। In such cases, whatever is the order of basis,
हैव सेम ऑर्डर, मतलब जो जितना अच्छा बेस वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल। मतलब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि कब आप जो है आप करा रहे हो एलिमिनेशन, कब आप करा रहे हो सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यही बेसिसिटी का ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो है ऑर्डर है। ठीक है, समझते हैं कैसे। सबसे पहले आप ये समझिए कि बेसिसिटी का ऑर्डर यहाँ कैसे देखेंगे। तो आप बेसिसिटी का ऑर्डर देखने के लिए इतना देखिए कि जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज होगी बेटा। और अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो आपके कॉन्जुगेट बेसिस क्या बनेंगे, स्टेबल बनेंगे। और कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ही क्या होगा, वीकर, है ना। ये बात तो सही है, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, वीकर इज द कॉन्जुगेट बेस एंड स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस। तो ये कॉन्जुगेट बेसिस ही तो है, इन सबके कोई ना कोई एसिड तो होगा ना। तो लेफ्ट से राइट अगर मैं जाऊंगी तो मेरे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज उतना अच्छा नहीं है जितना एफ पे नेगेटिव चार्ज अच्छा है। क्यों? क्योंकि एफ पे नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है ना। तो ये दो चीजें पीरियोडिसिटी के आपको याद रखनी है कि जब हम पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर को डोमिनेंट रोल प्ले किया जाता है, और ग्रुप में अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज के फैक्टर को डोमिनेंट रोल दिया जाता है। ये छोटी सी बात पीरियोडिसिटी की याद रखिए, हमेशा काफी काम आने वाली है। पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है और ग्रुप में साइज को जो है इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जब एफ माइनस और सी एल माइनस को कंपेयर करूंगी तो साइज फैक्टर को देखूंगी, बट अगर ओ माइनस और एफ माइनस को कंपेयर करूंगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर को देखूंगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं सारे? यहां देखिए, इसमें देखते हैं, अगर आप देखोगे लेफ्ट से राइट आप एक पीरियड में जा रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है मतलब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो रहा है और वीकर बनता जा रहा है बेस, मतलब बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का सेम ऑर्डर होगा। क्या इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, राइट। तो CH3 माइनस जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल उतना ही अच्छा बेस, और F माइनस कंपैरेटिवली जितना बेकार न्यूक्लियोफाइल उतना ही बेकार बेस। आप समझ पा रहे? तो ये सारी चीजें जो है कंपैरिजन के ऊपर है। तो अगर मैं खाली F माइनस की बात करूं तो मैडम ये क्या कराएगा, ये डिपेंड करता है सबस्ट्रेट क्या है, डिपेंड करता है कि आप इसको किसके साथ कंपेयर करा रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है। एब्सोल्यूट एक बंदे को लेकर मैं नहीं चल सकती कि नहीं ये मैंने देखा, मैंने मुझे अच्छा अच्छा चाहिए तो ऐसे ही होगा, नहीं। यहाँ पे चीजें बहुत डिफरेंट है और बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वॉल्व हो रही है, बहुत सारे पैरामीटर इन्वॉल्व हो रहे हैं, धीरे धीरे आपको समझ आएंगे, तसल्ली रखें। ठीक है, सेम चीज यहाँ देख रहे हैं, इसमें देखिए हालांकि पीरियड सेम नहीं है, एलिमेंट ही सेम है। तो सेम एलिमेंट में अगर आप ये जानते हैं कि बेसिसिटी का ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम है तो खाली बेसिसिटी चेक कर लो कि प्लस का इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी, है ना, अभी डिस्कस किया था हमने। तो यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3CH2 है, तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, तो बेसिसिटी ज्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की ज्यादा। तो यहाँ पे भी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या है बेटा, सेम। यहाँ तक बात सबको समझ आई है? ठीक, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो आपका अब डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। अब मैं एक आपको एब्सोल्यूट ऐसी चीज बता रही हूँ जो आपको काफी हद तक आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगी, वो देखें क्या है। अब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली कि हमें खुद ही नहीं पता चल रहा कि कौन न्यूक्लियोफाइल होगा, कब न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन बेस होगा और कब बेस होगा। तो उसके लिए रूल ऑफ द थंब मैं आपको जो बता रही हूँ वो समझिए। सबसे पहली चीज हमेशा याद रखिए, आई माइनस बी आर माइनस Cl माइनस, ये कभी भी बेस नहीं हो सकता, मतलब कभी भी बेस नहीं। ठीक है, F माइनस बेस हो सकता है लेकिन ये वीकेस्ट बेस होगा, बहुत ही बेकार बेस होगा, मतलब उतना अच्छा नहीं। न्यूक्लियोफाइल इनके कंपैरिजन में अच्छा है, देखिए बात ध्यान से सुनिएगा, इनके कंपैरिजन में अच्छा है लेकिन इन जनरल ये बेकार है। ठीक है, RO माइनस अगर आपके पास आ गया, अब जैसे RO माइनस मैंने आपको दे दिया, अब RO माइनस बेस भी अच्छा है, न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है,
तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आर ग्रुप क्या है। अगर आर ग्रुप लेस बल्की है और एक बार आर ग्रुप ज्यादा बल्की है लाइक दिस, तो बेसिसिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो बल्की वाला ज्यादा बेसिक होगा, और न्यूक्लियोफिलिसिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। ठीक, अब एक और बड़ा अच्छी सी चीज बता रही हूँ, यहाँ पे सुनेंगे ध्यान से। अगर OH माइनस आ गया, क्योंकि OH माइनस भी दोनों है, बेस भी अच्छा है न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, ये दोनों ही है, न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा था बेस भी अच्छा था, ये भी न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है बेस भी अच्छा है। अब इसमें क्या पैरामीटर होगा जो बेस और न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिसाइड करेगा, वो होगा कि आप OH माइनस को कौन से सॉल्वेंट में ले रहे हो। अगर आप OH माइनस एल्कोहलिक लो, एल्कोहलिक OH माइनस होता है एल्कोहलिक OH, एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहल के साथ लो, और एक बार आप लो पानी के साथ एक्वस OH माइनस, पानी ज्यादा पोलर है, पोलर सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी को फेवर करते हैं, लेस पोलर सॉल्वेंट बेसिसिटी को फेवर करते हैं, तो ये एक्वस OH माइनस जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और एल्कोहलिक OH माइनस क्या होगा, बेस होगा। तो जहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी चेक नहीं हो पाती, क्योंकि वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल और बेस भी है, वहां मैं दूसरी चीजों की मदद लेती हूँ उसको डायरेक्शन देने के लिए कि यार बेसिक रहेगा या एक्वस वो न्यूक्लियोफाइल रहेगा। जैसे OH माइनस अगर मुझे दे दिया तो मैं डायरेक्शन दे दिया मैंने इसे कि अगर मैं एल्कोहलिक फॉर्म में ले रही, मतलब एल्कोहल के साथ ले रही हूँ, ROH और KOH ले लिया, या मैंने एल्कोहलिक KOH ले लिया, या एल्कोहलिक NaOH ले लिया, एल्कोहलिक NiOH ले लिया, कोई भी एल्कोहलिक ले लिया बेस, पानी के साथ NaOH ले लिया या खाली NaOH ले लिया, मतलब ऑब्वियसली पानी होगा क्योंकि अगर एल्कोहल डालते तो मेंशन करते, खाली NaOH ले लिया, खाली KOH ले लिया, मतलब वो एक्वस है, एक्वस मतलब न्यूक्लियोफाइल। बात क्लियर हो रही है? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी हैंड इन हैंड चलती है, बगल बगल में चलती है, कहीं कहीं पे जहां पे बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं करवा पाते वहां दोनों रिएक्शंस भी हो जाते कि सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है एलिमिनेशन भी हो रहा है। बट अभी मैं उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करी, अभी मैं सिर्फ तुम्हें एलिमिनेशन पढ़ा रही हूं, तो आप एलिमिनेशन के लिए बेसिसिटी को ध्यान में रख के की पॉइंट अभी के लिए फिलहाल जो याद रखेंगे वो ये है कि हैलोजन कभी बेस नहीं होगा, जितना भी बल्की ग्रुप होगा उतना बेटर बेस होगा, और जितना एल्कोहलिक OH माइनस जलेगा उतना बेटर बेस होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एम आई क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक बात क्लियर है सबको? यस सर। ऑलराइट, एक चीज और बताऊंगी जो आप अभी बेसिसिटी के लिए याद रखेंगे वो ये है कि NH2 माइनस NaNH2 की फॉर्म में, LiNH2 की फॉर्म में, KNH2 की फॉर्म में अच्छे बेस माने जाते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, जो हिंट्स है बस इन हिंट्स को आप ध्यान रखिए तभी आपकी कहानी चल पाएगी बेसिसिटी में, ये अच्छे बेसिस होते हैं। ठीक है, और बता रही थोड़ी सी चीज वो भी ध्यान रखेंगे, क्या अगर आप हाइड्राइड्स यूज करें NaH, LiH, KH, दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, राइट, ये भी अच्छे बेसिस माने जाते हैं, दे आर गुड बेसिस। तो अभी फिलहाल क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिसिटी मेरा कंसर्न है, तो की पॉइंट्स, हैलोजन्स कभी बेस नहीं होंगे, बल्कि ग्रुप बहुत अच्छे बेसिस होंगे, हालांकि ये भी बेस होगा लेकिन बल्कि जितना होगा उतना बेटर होता जाएगा, बेसिसिटी की तरफ वो उतना भागता जाएगा। ठीक है, एल्कोहलिक अगर आप KOH या NaOH यूज करेंगे वो ज्यादा अच्छा बेस होगा, NaNH2, LiNH2, KNH2 बहुत अच्छे बेस और स्ट्रॉन्ग बेस माने जाते हैं, और हाइड्राइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स भी स्ट्रॉन्ग बेस माने जाते हैं। ये आपको अभी फिलहाल के लिए याद रखना है जब तक आपको बेसिसिटी समझ में। Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी तक हम लोगों ने एक बैकग्राउंड नॉलेज ले लिया कि बेस कौन होता है, लिविंग ग्रुप कौन सा होता है। अब आपको मैं E2 मैकेनिज्म की तरफ लेके जा रही हूँ। E2 मैकेनिज्म की की पॉइंट्स लिखिए, सबसे पहले ये एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी क्या है बेटा, टू मॉलिक्युलैरिटी बताइए क्या होता है, लाइक
लावण्य ने बताएगी मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है, हाउ डू यू डिफाइन मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। जितने साइमल्टेनियस एटम के मॉलिक्यूल्स एक बार में कोलिजन करते हैं एक्टिव कंपाउंड में। हाँ, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर सेम होता है, ये सबको पता है ना। E2 रिएक्शन, E2 मैकेनिज्म जो होता है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, मतलब वो एलिमेंट्री होगा, इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर भी होगा, समझ रहे, क्योंकि ये बायोमोलिकुलर है और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलैरिटी सेम होता है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इस केस में मेरा क्या है, 2 है। काफी इंपॉर्टेंट है हर मैकेनिज्म का ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी पता रहना, ठीक। तो हम एक चीज पूछनी है। हाँ जी, ये केमिकल काइनेटिक्स में तो हमने वो पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलैरिटी नहीं होती है, डिफाइन नहीं होती। हाँ, मतलब वो पूरे रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं होती, सिर्फ उसके आरडीएस स्टेप के लिए डिफाइन होती। अच्छा, तो फिर उसका आरडीएस स्टेप भी ऑर्डर के बराबर होता है। आरडीएस स्टेप में मॉलिक्युलैरिटी ऑर्डर के बराबर होता है। हाँ, तो फिर तो मॉलिक्युलैरिटी हमेशा ऑर्डर के बराबर होती है। नहीं, क्योंकि अगर आरडीएस स्टेप में तुम्हारा कोई इंटरमीडिएट प्रेजेंट है तो उस केस में ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आप इंटरमीडिएट को रिप्लेस करोगे, है ना। बट अभी याद है तुमको वो मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन जो हम करते थे? यस मैम, जिसमें बीच में वो इंटरमीडिएट आता था उसको करना पड़ता था। हां, आरडीएस स्टेप को मॉलिक्युलैरिटी ऑर्डर के बराबर कर देते थे, बट जब देखते थे उसमें इंटरमीडिएट हम रख नहीं सकते तो हम उसे रिप्लेस करते थे, है ना। फिर फाइनल ऑर्डर डिफरेंट नहीं आता था रिएक्शन का, तो हमेशा कैसे हो सकता है, समझ रहे आप? मैंने वो हाँ मैं ध्यान से नहीं देखा होगा। क्या बोल रहा है? ऑर्डर। ओके, ठीक है, चलिए। बायोमॉलिक्युलर रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप होता है, ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी रिएक्शन की सेट 2 होती है। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पहले मैं आपको मैकेनिज्म समझाती हूँ और फिर उसके की पॉइंट एक लिख पाती हूँ। यहाँ पे हमेशा बीटा एलिमिनेशन होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम 1-2 एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, तो आपका लीविंग ग्रुप जहाँ पे भी लगा हुआ है वहीं से आपका लीविंग ग्रुप निकलेगा। लेकिन लीविंग ग्रुप के बगल, लीविंग का ग्रुप वाला कार्बन अगर आप अल्फा बोलेंगे तो इसका बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा? बेटा बीटा। तो बीटा वाली पोजीशन से क्या निकलेगा? निकलेगा, ठीक है। तो रिएक्शन के मैकेनिज्म में एक ही स्टेप इन्वॉल्व होता है, तो उस स्टेप में क्या होता है, जो आप बेस डालते हैं वो बेस क्या करता है, एच प्लस को खींचता है, ये बॉन्ड यहाँ जाता है और लीविंग ग्रुप बॉन्ड लेके डिपार्ट करता है। तो सबसे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है जिसमें आप देखेंगे लीविंग ग्रुप का बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन का बॉन्ड ये वाला टूट रहा है, और हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ किसके साथ बन रहा है, बेस के साथ यहाँ बन रहा है। तो एक इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि फाइनली आपके को प्रोडक्ट दे देती है, दैट इज एल्केन। आपका H प्लस और L माइनस जो है निकल जाता है। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाता है, सिंगल स्टेप में। तो यही सिंगल स्टेप मेरे रिएक्शन का क्या हो गया, आरडीएस स्टेप। तो आरडीएस स्टेप में मैंने बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, मतलब आप इस रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखेंगे, K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड बेस। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और बेस दोनों पे ही क्या करेगी बेटा, डिपेंड करेगी, और दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 देखा जाता है, तभी नेट रिएक्शन का ऑर्डर क्या बनता है, 2 बनता है। तो बेस और सबस्ट्रेट दोनों के ऊपर हमारा रेट जो है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हमारा रेट जो है वो डिपेंड करता है। क्या तक बात क्लियर है? अब एक और चीज समझिए यहाँ पे, क्योंकि यही सबस्ट्रेट है और यही मेरा आरडीएस स्टेप में सबस्ट्रेट डिटरमाइन हो रहा है, और सबस्ट्रेट पे से दो चीजें हो रही है, एक बेस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सबस्ट्रेट से जो एच प्लस को खींच रहा है, और दूसरा लीविंग ग्रुप का हो रहा है। मतलब अ गुड लीविंग ग्रुप अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो ये रेट रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि बेटर लीविंग ग्रुप जो होगा यहां से जल्दी निकलेगा, जितना जल्दी ये निकलेगा उतना ज्यादा जल्दी यहाँ पे रिएक्शन का क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो गुड लीविंग ग्रुप कह सकते हैं फेवर करता है किसको, E2 रिएक्शन। तो खाली गुड लीविंग ग्रुप नहीं, अब गुड बेस भी प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, दोनों काम साथ में हो रहे हैं, तो बेस का अच्छा होना भी जरूरी है, क्योंकि बेस जितनी जल्दी H+ को खींचेगा, जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी H+ को खींचेगा,
उतनी जल्दी ये निकलेगा, और जितना अच्छा ये होगा ये भी उतनी जल्दी निकलेगा, और जितना काम जल्दी होगा उतनी जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ेगा। तो गुड बेस ऑल्सो फेवर्स E2 रिएक्शन। तो E2 के लिए बेस का अच्छा होना भी इम्पोर्टेंट है, लीविंग ग्रुप का अच्छा होना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें RDS स्टेप में इन्वॉल्व हो रही है। साथ साथ सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होना चाहिए ताकि रेट बढ़े, बेस का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होना चाहिए ताकि रेट बढ़े, क्योंकि रेट सबस्ट्रेट और बेस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। यहाँ तक सबको बात समझ आई है? Yes, इसको जरा हटाओ। पूछनी है इसमें ऑर्डर का क्या काम है? ऑर्डर का काम कुछ नहीं है, बस बता दिया, पूछ लिया जाए डायरेक्ट ऑर्डर का क्या रिएक्शन का बताना शुरू होता है। मैम कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज करेगी रेट को? बिल्कुल, देखो ये रेट लॉ में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन का भी yes, रोल होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। मैम सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट ही है, सबस्ट्रेट बाय रिएक्टेंट। और ये जो आपने बीच में बनाया इंटरमीडिएट जैसा, ये इंटरमीडिएट नहीं, ट्रांजिशन स्टेट। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट बेटा, ठीक है? अब इनमें मैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंपेयर करना चाह रही हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे कंपेयर करूंगी, इन सब में जैसे मैंने अच्छा बेस इस्तेमाल करा है, सारी चीजें अच्छी है, लिविंग ग्रुप भी आप देख रहे हैं दोनों में सब में सेम है ना, तो लिविंग ग्रुप के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता। लेट्स से कंसंट्रेशन भी सबकी अच्छी है तो उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं होता, तो कौन सा बेसिस इनके बीच में रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा? तो आप इनकी ट्रांजिशन स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो जब यहाँ ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसे बन रही थी, ध्यान दीजिएगा। अब जो नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको लिखवाया है, लिविंग ग्रुप और ये एच है ना, एच निकल रहा है, बॉन्ड गिर रहा है, लिविंग ग्रुप निकल रहा है, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कुछ ऐसी है जिसमें लीविंग ग्रुप का बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, H का बॉन्ड टूट रहा है, H का बॉन्ड बेस के साथ बन रहा है, इस तरीके से ये ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक
कैन यू जस्ट सी कि ट्रांजिशन स्टेट पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है पार्शियल, तो मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि जो ट्रांजिशन स्टेट है इज एल्कीन लाइक. ये ट्रांजिशन स्टेट मेरी क्या है बेटा, एल्कीन लाइक. पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आप लोग समझ पा रहे ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, मतलब हाउ डू यू डिफाइन अ ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन इस बात को जानता है? जानते हैं इस बात को, ये बताऊं? हम बता दीजिए. ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साथ में हो रहा है. बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग अकर्स साइमल्टेनियसली. मतलब ये एक ऐसा स्टेट है जो बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग को दर्शाता है. जबकि इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट एक स्पीशीज होती है जो बनती है. जो भी रिएक्शंस वन स्टेप होते हैं, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, जो भी रिएक्शंस वन स्टेप होते हैं उनमें कभी भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है. देयर इज नो इंटरमीडिएट. जो भी रिएक्शन वन स्टेप प्लस होते हैं, मतलब टू स्टेप या टू से ज्यादा स्टेप होते हैं, टू और मोर देन टू स्टेप, जो दो या दो से ज्यादा स्टेप के होते हैं उनके अंदर ही इंटरमीडिएट बनता है. तो इंटरमीडिएट सिर्फ तभी बनेगा जब आपका रिएक्शन का स्टेप दो है. तो जैसे आप कहते हो ना, ए ने बी दिया, फिर बी ने सी प्लस डी दिया, तो ये जो बी होता है ना, जब एक से ज्यादा स्टेप का रिएक्शन होता है, ये बी इंटरमीडिएट होता है. बट अगर ए ने ही सी प्लस डी दे दिया, यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए सी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, स्टेट है वो, ट्रांजिशन स्टेट होती है. ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जो बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग को दर्शाती है. ठीक है, मैं थोड़ा और इसको क्लैरिटी ला रही हूँ. ये हटा दो ना यहाँ से, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, और अच्छे से क्लैरिटी लाने के लिए आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि ये चीज बार बार आपकी जो है ऑर्गेनिक में आएगी, है ना. ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखिए, ये देखिए, वो देखिए, बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट होंगी, तो बड़े क्लियर रह के चलेंगे स्टार्टिंग से. ठीक है, देखो जरा ध्यान से सुनो. इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट दोनों ही अनस्टेबल होती है. इंटरमीडिएट एंड टीएस बोथ आर अनस्टेबल, दोनों ही अनस्टेबल होती है. बट हर इंटरमीडिएट को बनने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट होती है. ट्रांजिशन स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो ट्रांजिशन दिखाए वो. तो अगर आपका रिएक्शन वन स्टेप है, मतलब सीधा आप किस एक रिएक्टेंट से किस पे गए, प्रोडक्ट पे गए, तो जब आप उसका एनर्जी डायग्राम बनाते हैं ना, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो हम वो थ्रेशोल्ड एनर्जी और ये सारी चीजें जो बात करते हैं वो ऐसा होता है, जैसे लेट्स से ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, लेट्स से ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, लेकिन आप रिएक्शन और प्रोडक्ट में एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके पहुंचते हो, तो ये एनर्जी बैरियर के जो टॉप पर ये बनता है ना, ये है मेरी ट्रांजिशन स्टेट जो कि हाईएस्ट एनर्जी की होती है. तो जब रिएक्टेंट अपनी, ये रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी, रिएक्टेंट अपनी एनर्जी प्लस ये एक्टिवेशन एनर्जी जो रिएक्टेंट की है, तो रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी ER प्लस ये एक्टिवेशन एनर्जी मिला के क्या बनती है बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी. ये तो सबको पता है ना. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला जो बंदा है ना, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी रखता है, वो ट्रांजिशन स्टेट होती है. दिस इज वॉट ट्रांजिशन स्टेट इज. तो हर वन स्टेप रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है. बट अगर आपका रिएक्शन मोर देन वन स्टेप होता है तो क्या होता है, तो इंटरमीडिएट क्या होता है, ये आपको मैं बार बार दिखाऊंगी. देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपका रिएक्शन टू स्टेप्स का है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो, तो आपका रिएक्टेंट ये है, फाइनल प्रोडक्ट ये है, बट ये दो स्टेप में हुआ रिएक्शन. हमेशा याद रखिए, रिएक्शन में जितने हम्प होते हैं, मतलब जितनी चढ़ाई होती है, जितनी बार एनर्जी बैरियर आता है, उतने रिएक्शन के स्टेप होते हैं.
तो वन स्टेप रिएक्शन में एक पहाड़ मिलेगा, टू स्टेप रिएक्शन में दो पहाड़ मिलेंगे, थ्री स्टेप रिएक्शन में तीन पहाड़ मिलेंगे, चार स्टेप में चार पहाड़ मिलेंगे। जितनी बार ये पहाड़ मिलेंगे उतने स्टेप होंगे रिएक्शन के। तो अगर ये टू स्टेप रिएक्शन है मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, दो पहाड़, एक पहाड़, अब ये दो पहाड़, लाइक दिस। अब देखिए ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा, ये जो सबसे टॉप दिख रहा है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट वन है, ये सबसे टॉप है, ये ट्रांजिशन स्टेट टू है, और ये जो है ना ये इंटरमीडिएट है, दिस इज इंटरमीडिएट। तो आप जब रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनाए और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनाए, तो रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनने में भी एक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होगी, फिर ट्रांजिशन स्टेट, फिर जो ये इंटरमीडिएट है ये बन जाएगा, फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनने में भी एक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होगी। तो हर स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो एक स्टेप मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट, दो स्टेप मतलब दो ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन एक स्टेप मतलब जीरो इंटरमीडिएट और दो स्टेप मतलब एक इंटरमीडिएट। मेरी बात समझ पा रहे हैं सारे, मैंने क्या बोला? हाँ समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में क्या डिफरेंस है? ट्रांजिशन एक स्टेट है, वो कोई इंटरमीडिएट नहीं। जैसे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, जिसको मैं आइसोलेट करके उसकी स्टेबिलिटी जज करती हूँ, है ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। कार्बन आयन एक इंटरमीडिएट है, कार्बीन इंटरमीडिएट है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट है। ट्रांजिशन स्टेट एक स्टेट है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग को दर्शाता है। मेरी बात सब क्लियर है? एकदम दिमाग खुलकर ट्रांजिशन स्टेट समझ आ गई सबको? अच्छे से समझना बेटा, बहुत अच्छे से। हम वो एक्चुअली बताइए कि जो कार्ब कार्बोकैटायन है वो क्या है? इंटरमीडिएट। अच्छा ठीक है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट है। आगे और इंटरमीडिएट्स पढ़ोगे, जैसे बेंजाइन पढ़ोगे, नाइट्रीन पढ़ोगे, कार्बीन पढ़ोगे, खूब सारे इंटरमीडिएट्स पढ़ोगे। ट्रांजिशन स्टेट सिर्फ रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करते हैं, हर रिएक्शन में कोई ना कोई एक डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट होगा। ठीक है, अब जरा इसको हटा दो, मैं सारी मेहनत जो मैंने हटाई इसको हटा दो। हाँ, तो मैं आपको ये बात कर रही थी ना, 1 डिग्री सबस्ट्रेट और 2 डिग्री सबस्ट्रेट और 3 डिग्री सबस्ट्रेट की। और ये आगे बेटा मेरा 3 डिग्री सबस्ट्रेट। मैंने क्या बोला, एक वन स्टेप रिएक्शन है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी, है ना। और ट्रांजिशन स्टेट अभी मैंने आपको दिखाया था कैसी बन रही है। ट्रांजिशन स्टेट इज एल्कीन लाइक, क्यों? क्योंकि एल्कीन लाइक क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है। तो आप इन सब में जो है एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट बना के देखो। ये याद रखना, मोर स्टेबल इज द ट्रांजिशन स्टेट, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। पूछो क्यों नहीं पूछोगे? क्यों पूछोगे बेटा? जितनी स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी उतना कम एनर्जी बैरियर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। ट्रांजिशन स्टेट जितनी स्टेबल होगी उतनी ज्यादा लोअर एनर्जी की होगी, जितनी ज्यादा लोअर एनर्जी होगी पहाड़ की हाइट उतनी क्या होगी, कम होगी, और जितनी कम होगी एनर्जी बैरियर उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो अब जरा ट्रांजिशन स्टेट बनाइए, इधर इसको जरा अच्छे से लिखते हैं। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होने से इंटरमीडिएट कैसा बनेगा देखिए जरा, CH2, ये H यहाँ होगा, जो मतलब डॉटेड से दिखाऊं क्योंकि ये H निकला है मेरा। ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं, ये देखिए H, तो आप देख रहे हैं इसमें कैसी एल्कीन बन रही है, एक ऐसी एल्कीन बन रही है जिसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए अल्फा H कौन सा होगा, ये कोई भी आएगा, मतलब बीटा H ले लो या ये कोई भी ले लो। लेट्स से मैं यहां से ले लेती हूँ एक एच, देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखेगा, H+ निकला, ये बॉन्ड यहाँ, यहाँ से यहाँ,
देखिए क्या बना, ये सी एच टू, ये एच, ये सी एच, ये सी एच थ्री, यहाँ से आई कवन होगा। अब आप ये एल्कीन देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये जो ट्रांजिशन स्टेट के एल्कीन है उसमें तीन अल्फा एच आ गए। और इधर देखिए बताइए कितने अल्फा एच आएंगे, मैं यहां से एक एच लूंगी, ये आय लूंगी, एच प्लस गया, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, देखिए कैसे बनेगा। कैन यू यू सी कि ये वाला जो एल्कीन बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट में से सिक्स अल्फा एच है, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट एल्कीन, एल्कीन इन ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी बेटा, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री में ज्यादा होगा कंपेयर टू 2 डिग्री देन बॉन्डिंग। तो याद रखिए रेट ऑफ E2 रिएक्शन 3 डिग्री सब्सट्रेट में बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू 2 डिग्री, और 2 डिग्री में ज्यादा होता है 1 डिग्री। रीजन क्या है इसका, 3 डिग्री सब्सट्रेट हैज मोर स्टेबल एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, एंड मोर स्टेबल इज द ट्रांजिशन स्टेट, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। बात क्लियर हुई सबको? तो 3 डिग्री सब्सट्रेट मैम, ये अल्फा हाइड्रोजन कौन से कार्बन के लिए सिलेक्ट किया था? ये एल्कीन जिस पे बन रहा है उससे अल्फा, तो ये और ये 6, ये एल्कीन के बगल वाला, ये एल्कीन के बगल में कुछ है ही नहीं बेटा। तुमको जीओसी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। एक चीज पूछनी है, क्या प्रिपरेशन लीव भी मिलेगी? नो प्रिपरेशन लीव, व्हाट प्रिपरेशन लीव, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू लीव। थर्सडे को ऑफ कर दिया था मैंने, नहीं थर्सडे कर दिया था, सैटरडे का कर दिया था मैंने। यू गॉट योर, ठीक है, पूरा दिन घर बैठे उसके बाद भी तुम्हें लीव चाहिए, नौटंकी। चलिए बात क्लियर हो गई, चले आगे। शायद रिमूव दिस, सो क्या क्या आपने E2 के लिए याद रखिया? सबसे पहले 3 डिग्री सब्सट्रेट ज्यादा अच्छा रेट देता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। रेट की अगर मैं बात करूं तो रेट आल्सो डिपेंड करता है सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन पे। तो अगर मुझे बताइए, मैं आपको E2 रिएक्शंस लिख लूं, रेट ऑफ E2 बताइए। ए, जब सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है और बेस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, बी में सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से 0.2 मोलर है और बेस की कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से 0.1 मोलर है, और सी में जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मोलर है और बेस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। तो अगर मुझे रेट ऑफ E2 बताना होगा तो जहां सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, या फिर जहां बेस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, या फिर जहां प्रोडक्ट की, ये दोनों के प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, वहां रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो रेट ज्यादा होगा किसमें, सी में देन बी में देन ए में। समझ पा रहे हैं मेरी बात सारे? इसका ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है, बराबर, और वो बराबर होता है 2 के। ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है इसलिए बार बार लिख रही हूँ ताकि दिमाग में छप जाए तुम लोगों के। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और बेटर बेस एंड बेटर न्यूक्लियोफाइल, सॉरी लीविंग ग्रुप फेवर्स करता है E2। इज दैट क्लियर टिल नाउ? कोई दिक्कत किसी तरीके की? इंटरमीडिएट नहीं बनता क्योंकि रिएक्शन सिंगल स्टेप है, तो नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। इसका अंतर जब इंटरमीडिएट नहीं है तो रीअरेंजमेंट की बात आती है क्या? नहीं आती। रीअरेंजमेंट तो सब होगा जब कार्बोकोटाइनाजन इंटरमीडिएट बनेगा, तो जब इंटरमीडिएट ही नहीं है तो कोई रीअरेंजमेंट की बात भी आपके सामने नहीं। बात क्लियर? तो यहाँ तक हम लोगों ने E2 के बारे में आज पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस
करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ईथर, ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, नो डाउट होगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ईथर के ऊपर जाएंगे, फिर ईवन को डिस्कस करेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। एम आई क्लियर टिल नाउ? तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग प्लीज अपना जियो सी रिवाइज करिए, नहीं तो यू विल गेट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, आई एम टेलिंग यू। ओके मैम। हां जी मैम। हां जी बोलो बेटा। मैम जीओसी में हाइड्रोकार्बन्स वाला पार्ट भी इंक्लूड हो रहा है? नहीं नहीं, जीओसी में क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ, एक जगह लिख देती हूँ कि क्या है आपका जीओसी का सिलेबस, एक मिनट जो यही लिख देती हूँ और इसको याद रखना ठीक है। आपके जीओसी टेस्ट में क्या क्या आता है मैं बता देती हूँ। जीओसी में नॉमन केचर आता है, बट मैं नॉमन केचर आप लोगों को नहीं दे रही हूँ क्योंकि नॉमन केचर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको जाने नॉमन केचर नहीं करना। आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट, उसकी एप्लीकेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट उसकी एप्लीकेशन, आप लोगों को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट उसकी एप्लीकेशन, आप लोगों को पता होना चाहिए स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं कार्बोकैटायन की, कार्बोएनायन की, आप लोगों को स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए एल्कीन की कैसे देखते हैं, आप लोगों को हाइपरकॉन्जुगेशन आना चाहिए, आप लोगों को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन देखना आना चाहिए, और साथ साथ आप लोगों को एसिडिटी और बेसिसिटी आनी चाहिए। मैं बता रही हूँ अपने ये सारी चीजें आपकी जो है इसमें इन्वॉल्व है। मैं आप लोगों की एक टेस्ट से पहले क्वेश्चन क्लास जरूर, एक और चीज इंपॉर्टेंट है एरोमेटिसिटी, कंपाउंड एरोमेटिक है नहीं है वो चेक करना चाहिए। ये सारा चीज आपका जीओसी में इंक्लूडेड होगा, इसका मैं क्वेश्चनर क्लास आपसे ले लूंगी ताकि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन किस हिसाब से आता है। लेकिन ये आप अगर आप ये सोच रहे हो उन बच्चों के लिए स्पेशली जो बहुत अच्छे से लेवल में जीओसी नहीं करे थे, अक्षर तू भी नहीं करा था उतने अच्छे से जीओसी, तो उन बच्चों के लिए और जो वैसे इलेवेंथ में नहीं पढ़े थे ठीक है, प्रतीक जो भी बाकी बच्चे हैं अश्मी और सारे ऑलमोस्ट, तुम लोग प्लीज यूट्यूब वीडियो जरूर देखो, क्योंकि उसके बिना अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने जो पुराना पढ़ा हुआ है या आपने जो बुक्स अपनी आईएससी की बुक या सीबीएसई की बुक्स अगर आप कर लोगे तो आप नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी जीओसी इज वे व्हाट यू सी इन योर स्कूल एग्जाम्स, इट इज मोर डीपर, आप सोच भी नहीं सकते वो कितना डीपर है। इसके लिए प्लीज मेरी यूट्यूब वीडियो जरूर देखो, ये सिर्फ मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक तरीके से आपका इलेवेंथ का रिविजन भी हो जाएगा और टाइम सेव हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि अगर मैं जीओसी पढ़ाने बैठ गई ना ट्वेल्थ में बेटा पूरी बारहवीं निकल जाएगी, जीओसी नहीं खत्म होगा, ऑर्गेनिक मुझे इतना डीप कराना है ठीक है, और ऑर्गेनिक में मुझे कम 3 से 4 महीने लगेंगे। हाँ मैम ये जीओसी का मेरे पास ना पुराने साल के नोट्स पड़े हुए हैं वो नहीं, नहीं वो सफिशिएंट नहीं है, मैंने जो तक पढ़ाया नहीं, नहीं आपने जो नोट्स कराए थे वो वही मैं कह रही हूँ, जो मैंने तुमको पढ़ाए थे वो भी बेसिक लेवल था, डीप नॉलेज तुमने नहीं ली थी इलेवंथ में, यू हैड योर स्कूल एग्जाम्स रिमेम्बर, फिर में तेरा स्कूल एग्जाम था, तुमने एंट्रेंस वाला नहीं पढ़ा था, जीओसी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा था, तो वो नोट्स तो ठीक है ही है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें तूने नहीं पढ़ी थी, जैसे एसआईपी इफेक्ट तूने नहीं पढ़ा, एसआईआर इफेक्ट तूने नहीं पढ़ा, तो ये भी इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीजें तुम्हें यूट्यूब वीडियो देखनी ही पड़ेंगी, इसका कोई और चारा नहीं है। मैम यूट्यूब वीडियो आप किस पे चैनल पे? हाँ चैनल पे है, मैंने सारी ओपन कर दी है, मैं चाहूँ तो ग्रुप में भी डाल सकती हूँ, लेकिन उस पर डालने में मुझे एक एक को ना ढूंढना पड़ेगा, एक एक को ढूंढूंगी छाटूंगी डालूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। उसमें ऑर्डर में? हाँ ऑर्डर में प्रॉपर, नहीं तो टॉपिक लिखा हुआ है तुम देख सकते हो, फिर भी अब कितनी वीडियो होंगे टोटल मतलब मुझे नहीं पता भाई, देख लियो पहली चीज, अगर फिर भी तुम लोग कंफर्टेबल हो कहते हो मुझे ऐप में डालना, मैं ऐप में डाल देती ताकि आप लोगों को एक ही जगह सीक्वेंस में सब मिल जाए, चाहते हो ऐप में डालना डालू? नहीं मैम यूट्यूब सही है। हाँ तो जो यूट्यूब पे देख सकता है देखे, अगर एक भी बच्चा चाहता है कि मैं ऐप में अपलोड कर दूं तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं सीक्वेंस ऐप में डाल दूंगा, लेकिन फिर वो यार आप आगे के पास है नहीं, आधे कहते दिखता नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो उससे अच्छा आप यूट्यूब पे देख लीजिए है ना, तो यूट्यूब पे देख लो सारी चीजें, मैंने टॉपिक्स में बता दिए सारे टॉपिक्स में आने चाहिए, एसआईपी इफेक्ट, एसआईआर इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, हाइपरकॉन्जुगेशन, एल्कीन, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, कार्बोनायन स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, मेसोमेरिक इंडक्टिव का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का ऑर्डर, मेसोमेरिक इफेक्ट, सारी चीज आनी चाहिए। मैं आपको एक्सक्लूड कर रही हूँ आईयूपीएससी से क्योंकि वो कुछ नहीं पूछता। टेस्ट इज ऑन 4th जुलाई, बिफोर दैट आई विल ऑर्गेनाइज अ एक्स्ट्रा क्लास फॉर योर क्वेश्चनेयर आल्सो, बट क्वेश्चनेयर मैं टेस्ट के आसपास ही रखूंगी ताकि आप तब तक पढ़ लें, क्योंकि बिना पढ़े क्वेश्चनेयर रखने का कोई फायदा नहीं है, तुम लोग डिप्रेस हो जाओगे और कुछ नहीं।
बात क्लियर है? चलिए,